पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा जेल सुपरिंटेंडेंट मिस्टर SHM रिजवी की प्रेरणा से मुरादाबाद जेल कैदियों के लिए एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के चीफ काउंसलर डॉक्टर बबीता गुप्ता, डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता, डॉक्टर राजकमल गुप्ता रहे। उन्होंने कैदियों को अपने क्रोध पर काबू रखने के लिए प्रेरित किया और उनकी तकलीफों को सुनते हुए उन्हें जेल का हर काम शांत मन से रहकर करने की प्रेरणा दी, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका मानसिक तनाव भी कम हो सके। साथ ही साथ क्लब की तरफ से महिला कैदियों को 170 कपड़े के बैग सिलने का ऑर्डर भी दिया गया। कैदियों से ये शपथ भी दिलवाई गई कि जेल से बाहर आने के बाद वो अपने जीवन में अच्छे कामों को प्राथमिकता देंगे और कभी भी बुरा कार्य करने की नहीं सोचेंगे। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल से अध्यक्ष रोटेरियन अनुज अग्रवाल, सेक्रेटरी रोटेरियन शम्मी पुरी, रोटेरियन भारती अग्रवाल, एनी प्रगति मेहरोत्रा, एनी सुषमा गर्ग, मनोज गुप्ता, रोटेरियन पंकज माहेश्वरी और अन्य क्लब सदस्य मौजूद रहे। आज रोटरी क्लब सेंट्रल और रोटरी क्लब वेस्ट मिलकर यहाँ जेल में महिला और पुरुष कैदियों की काउंसलिंग के लिए आए हैं। काउंसलिंग का मकसद ये है कि उनको हम जीवन की मुख्य धारा से जोड़ सकें, क्योंकि जेल में बंद कैदी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कई बार उन्हें फाइनेंशियल या सोशल सपोर्ट नहीं होती है, ऐसे में उनको सकारात्मकता देने का काम हम जो समाज के लोग हैं जो हम कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखा है जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं कुछ थोड़ा सा अंश उनका हम उनके साथ रह के थोड़ी देर साथ रह के उनको हम कम कर सकें और उनकी परेशानियों को जानकर उनको सुलझाने का अपनी तरफ से हम प्रयास कर सकें। आज रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल और वेस्ट सोनकपुर क्लब की तरफ से एक संयुक्त कैंप हम यहाँ पर काउंसलिंग का लगाने जा रहे हैं, जिसमें शहर के प्रख्यात चिकित्सक हमारे साथ हैं, डॉक्टर बबीता गुप्ता और डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता, जो हमारी यहाँ पर महिला कैदी हैं उनके लिए डॉक्टर बबीता गुप्ता और पुरुष कैदियों के लिए डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता काउंसलिंग करने जा रहे हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट तरीके की मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ इन लोगों के बीच में आ जाती हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनको हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं जिससे कि ये अपना अपराध की सज़ा पूरा करने के बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, ये प्रयास करेंगे।